हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हो लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or nor you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. Is prakar ki media mein report aayi hai कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हुतो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। Breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers. Follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.